वीरा तुम्हें वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे ऐसे ही शहीद जब गोली के गोली तेरे सीने के पार हुई होगी ऐ शहीद ऐ शहीद जब गोली तेरे सीने के पार हुई होगी उस रात तेरी माँ कैसे सोई होगी और माँ तो माँ है माँ की बात अलग है भैया लेकिन राखी के दिन तेरी बहना कितना रोई होगी सब देशों में महान मेरा भारत देश है कि हम अपने वतन के लिए तूफान लिए फिरते हैं और वतन के लिए एक अरमान लिए दुश्मन की आंख वतन पर उठेगी तो कैसे क्योंकि हम अपनी हथेली पर जान लिए फिरते हैं और उस पाकिस्तान से कहना है कि सुन ले अगर भारत की तरफ आंखें भी उठाई तो तेरा क्या होगा चार लाइन सुने आप अगर पसंद आए तो सिर्फ तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे ऐसी आशा करता हूँ जितना बजट तेरे पास रखा है पाकिस्तान कि जितना तेरे पास बजट रखा है पाकिस्तान उतने का हम भारत वाले घास फूस लेते हैं और जितना जितना बढ़ चढ़ तू बोलता है पाकिस्तान उतने हमारे यहाँ आवारा कुत्ते भौंक लेते हैं और जितने जितने तुम्हारी जनता में खून भरा है पाकिस्तान उतने हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं और जितने जितने गोलीबारी की तू बात करता है उतने का हमारे यहाँ दिवाली पे पटाखे फोड़ देते हैं और जितने जितने की तू दाल रोटी खाता है पाकिस्तान उतने का हम भारत वाले पान खा के थूक देते हैं ऐसा मेरा महान देश है जहाँ पर लाखों कुर्बानियां ऐसी महान हस्तियों ने दी है उनकी कुर्बानी को आज इस मंच के माध्यम से याद करते हैं और कहना है हर कदम कदम पर हिंदुस्तानी पहरा दे रहा है और उन्हीं की बदौलत है जो आज हम सुकून की चैनों की नींद सो रहे हैं ऐसा मेरा भारत देश कहना है वो जहां कदम कदम पर हिंदुस्तानी कदम कदम पर हिंदुस्तानी ये फौजी करे बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है वो भारत देश है मेरा
कदम कदम तेरे नारे नारे रे नारे रे नारे तेरे नारे कदम कदम पर हिंदुस्तानी फौजी करे बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। ऐसे ऐसे महान देश हुए लेकिन किसी को माँ का दर्जा प्राप्त नहीं, मेरे भारत देश को माँ का दर्जा प्राप्त हुआ है। जवाब मेरे भारत देश को भारत माता के नाम से जानते हैं। ऐसी पावन नदियाँ ऐसी यहाँ पर गौ माता है जिनको माँ माना है। यहाँ गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कल कल बहती जाए पर हिंदुस्तानी फौजी करे बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। वंदे मातरम छोटी सी कथा महाभारत वीर रस के अंतर्गत आप सुनने जा रहे हैं। बात उस समय की है जब आज भीमसेन ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि दुशासन को मारकर उनके लहू से पांचाले की केस धुलूंगा। और आज जैसे ही मैदान में आमना सामना होता है क्या होता है, किनारों को कि किनारों को छोड़ने का हौसला चाहिए तब कहीं जाकर समंदर को टटोलना चाहिए। किनारों को छोड़ने का हौसला चाहिए तब कहीं जाकर समंदर को टटोलना चाहिए। विरासत में मिली है तुझे ये अदा विरासत में मिली है तुझे ये अदा बुजुर्गों की महफिल में जरा संभल कर बोलना चाहिए। ईमान के सामने बेईमानी कहाँ टिक पाती है, ईमान के सामने बेईमानी कहाँ टिक पाती है। और बेईमानी तो हर शख्स को आईने में दिख जाने और मेरी अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां से मेरा नाम लेते ही आग लग जाती है। तो देखिए आज भीमसेन और दुशासन का आमना सामना होता है। भीमसेन दुशासन को ललकारते कहा कायर ये रणभूमि का मैदान है यहाँ देखना है कौन कितने पानी में है। देखिए क्या होता है। तो देखिए भीमसेन बलवान थे कहते दुशासन तुम्हारे जैसे कितनों को मैं मार चुका हूँ तुम मुझे जानते नहीं हो। देखिए कहते हैं वो मर गए ये जलवे गिनाने वाले ये मुझको मिटाने वाले ये फोकट चिल्लाने वाले क्या बात। और बिन मारे मर गए
आज तेरे जितने भी साथी हो सभी को बुला लेना। कहते हैं और एक नहीं दो नहीं नहीं तीन चार, एक नहीं दो नहीं नहीं तीन चार, एक नहीं दो नहीं नहीं तीन चार, और कुछ करूंगा मैं तेरे हजार, तो खड़े करूंगा मैं तेरे हजार, तो खड़े करूंगा मैं तेरे हजार, और कुछ करूंगा मैं तेरे हजार, तो खड़े करूंगा मैं तेरे हजार, तो खड़े करूंगा मैं तेरे हजार। मर गए मर गए मर गए जलवे गिनाने वाले उसको मिटाने वाले, जलवे गिनाने वाले उसको मिटाने वाले, जलवे गिनाने वाले उसको मिटाने वाले, बिन मारे मर गए। क्या होता है? अरे एक नहीं दो नहीं नहीं तीन चार, 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 और टुकड़े करूंगा मैं तेरे हजार, टुकड़े करूंगा मैं तेरे हजार, टुकड़े करूंगा मैं तेरे हजार, टुकड़े करूंगा मैं तेरे हजार। वो मिल गए क्या होता है? आज भीमसेन ललकारते कहने लगे, अरे सारे वीरों को रण में बुला ले, बहादुर शासन, आज लड़ना भी पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। कहते हैं और सारे वीरों को रण में बुला ले, और जितना भी जोर हो लगा लेना, अरे बल अपना तू आज आजमा ले, लेकिन वो जोर तेरा नहीं चल पाए, जोर तेरा नहीं चल पाए, जोर तेरा नहीं चल पाए, जोर तेरा नहीं चल पाए। सारे वीरों को, सारे वीरों को रण में बुला ले, सारे वीरों को रण में बुला, सारे वीरों को रण में बुला ले, बल अपना तू आज आजमा ले, बल अपना तू आज आजमा ले, बल अपना तू आज आजमा ले। हो जोर तेरा नहीं जल पाए, जोर तेरा नहीं जल पाए, जोर तेरा नहीं जल पाए। और देखिए क्या होता है, देखिए दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगता, क्या होता है? हेलो, इसके बाद तारा भजन मंडल भिरिया डोल मंच के करीब आ जा भैया। अरसा से खत्म मैं तेरी, अरे आज कर दूंगा, अरे हस्ती है क्या तेरी, आज मिटा दूंगा। कहते हैं भीमसेन, अर मर्दों से ना हाथ लड़ाना, मर्दों से ना हाथ लड़ाना, मर्दों से ना हाथ लड़ाना, और ये रणभूमि का मैदान है, यहाँ बातों से काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं बातों देना मुझको डराना,
मतलब इच्छा है कि एक भजन करुण रस से किसी भी प्रसंग पे किसी भी पुराण में सुना सकते। तो आइए कई दिन बीत चुके हैं लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की कोई खबर नहीं। मन ही मन में अपने स्वामी को याद करती कहा स्वामी कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए हो। देखिए किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज को याद करती है, दिल से आवाज लगाती कहती है स्वामी लिखने वाले ने लिखी अजब मेरी तकदीर, हाय विधाता क्या हुआ रूठी है तकदीर। कहती है स्वामी तुम कहीं मुझे भूल तो नहीं गए हो। देखिए किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज को पुकारती है, याद करती है, क्या होता है। अरे तुम्हें सिया बुलाती है राम तेरी, वो तुम्हें सिया बुलाती है राम तेरी। हो सुन के आ जा तू आ जा, हो सुन के आ जा तू आ जा आवाज मेरी, क्या होता है। वो तुम्हें सिया बुलाती है राम तेरी, हो तुम्हें सिया बुलाती है राम तेरी, हो तुम्हें सिया बुलाती है राम तेरी, तुम्हें सिया बुलाती है तुम्हें सिया बुलाती है। आज माता सीता मन ही मन में विचार करती है कि कहीं मेरे स्वामी मुझे भूल तो नहीं गए हैं। आज मन ही मन में विचार करती है, कहती है स्वामी मैं ना तुम्हें भूला सकी, और मैं ना तुम्हें भूला सकी, तुमने क्यों भूला राम ते, तुम्हें सिया बुलाते हैं राम।
क्या होता है। जगदम्बे मैया